अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है मेरे बड़े बेटे उमर का बर्थडे, तो आज हमने घर में ही अपनी फैमिली के साथ छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। तो या हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करें, तो वीडियो एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो मेरी बहनों को याद था, उन्होंने कह दिया था कि उमर की बर्थडे है, हम ज़रूर आएंगे। तो फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से तैयारियाँ शुरू कर दी। उमर को भी नहीं मालूम था कि सब लोग आएंगे, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा, बहुत अर्जेंट में 2 घंटे पहले हमने सब ने बोला, तो हमने ये तैयारी शुरू कर दी। रात को मैंने इत्तेफाकन पाए बना के रख लिए थे पहले से ही ऑर्डर, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पाए पका लिए, उसे मैंने मसाले तैयार करे। इसकी रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में। तो अभी मैंने इसे तैयार किया हुआ था, तो मैं इसे तैयार करने लग गई जल्दी से। मैंने कहा एक काम तो हमारा हो जाए, तो यहाँ 2-1 घंटे में मैंने कहा सब आ जाएंगे। उमर को भी नहीं मालूम था, वो भी आएंगे तो बड़े सरप्राइज़ होंगे कि यहाँ सब आए हैं, क्योंकि भाई वो बड़े हो गए हैं तो वो समझते हैं कि अब मेरी क्या बर्थडे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को जब हम कुछ स्पेशल फील करवाते हैं। मुझे ख़ास तौर पे उनकी बर्थडे हो तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पता चले कि भैया आप जब आपके बर्थडे हैं, अभी माँ बाप हैं, अभी हमारे अपने मौजूद हैं जो आपको विश करते हैं, दुआएं देते हैं आपकी लंबी उम्र की, आपकी कामयाबी की। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों को अपने स्पेशल फील कराना। तो मैंने यहाँ अपने पाए जल्दी से रेडी कर लिए, पाए मैंने पका लिए थे क्योंकि पके हुए थे। इधर मैंने दही बड़े की तैयारी शुरू कर दी थी, मसाले वगैरह सब मैं बना के रखती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो इधर दही बड़े बन रहे थे, अभी काम चल ही रहा था कि मेरी छोटी बहनें आ गई, तो उन्होंने बड़ी मेरी मदद करी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो जब वो आई तो उनकी हेल्प से फिर जल्दी जल्दी सारे काम हो गए। जल्दी से मैंने कहा कि यखनी भी बना लेते हैं, पुलाव तैयार कर लेंगे, क्योंकि बच्चे तो भाई पाए वगैरह नहीं खाते, मेरी बहनों के बच्चे वगैरह भी सब आएंगे। तो मैंने कहा जल्दी से भाई पुलाव, चिकन का पुलाव तैयार करते हैं। तो मैंने यखनी चला दी, नॉर्मली ये जल्दी तैयार हो जाता है। और अभी टाइम था, खैर अभी तो बज रहे थे 6, तो मैंने कहा अभी तो टाइम है, अभी 1-1.5 घंटे के बाद सब आएंगे तो हो जाएगा सब कुछ तैयार। आधा काम तो हुआ हुआ है, तो जल्दी जल्दी से भाई करने लगे। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि परवरदिगार सब माँ बाप अपने बच्चों पे इसी तरह से उनका ख्याल करें, उनकी हर खुशी में। माँ बाप तो होते ही खुश हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हर कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी हर लिमिट से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को परवरदिगार बहुत कामयाबी अता कर, मेरे मौला उनके लिए बहुत अच्छा रख मेरे महबूब। और इधर भाई ये भी तैयार हो गया था मेरी बहनों की मदद से, और मेरे दोनों छोटे बेटे अपने बड़े भाई के लिए बहुत प्यारा सा केक लेकर आए थे कि भाईजान को नहीं बताइएगा हम इनके लिए केक लाए हैं। ये मेरे बड़े बेटे की पिक है, जब वो छोटे थे 1 साल के, इनका बेडरूम है ये। तो मैंने कहा देखूँ जल्दी जल्दी इधर भी कि वो भी आएंगे, तो कुछ भी तैयार नहीं करा था उन्होंने उनके लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, मेरी बहनें आ गई थी, बच्चे भी उनके आए थे, छोटे हैं उनके बच्चे, और वो बड़े खुश हो रहे थे कि भैया आज उमर भाई की बर्थडे है, बर्थडे है। ऐसा लग रहा था कि ये बर्थडे उनकी बर्थडे है, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। छोटे बच्चे तो ऐसी चीज़ों को बहुत खुश होते हैं कि हम जा रहे हैं अपनी पप्पी चचा ताया कहीं पर भी, भाई दावत है वहाँ पर और बड़ा मज़ा आएगा। हमने भी यही सोचा कि चले भाई छोटी सी दावत भी हो जाएगी, सब बहन भाई मिल भी जाएंगे, अच्छा भी लगेगा। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब हमारे अपने उनको बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं, उनकी उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, चाहे वो हमारे चचा हो, पुप्पियाँ हो, खालाएँ हों, बहुत अच्छा लगता है। उमर आप जब घर में बड़े होते हैं तो आपके बड़े बच्चे भी बहुत अहमियत रखते हैं आपके सारे रिश्तों के लिए। तो भाई ये उमर आ गए थे, तो यहाँ पे ये केक कटने लगा और ये उमर भी आ गए थे। और ये बच्चे देखें, सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया, भरे उमर भाई की तो बर्थडे बर्थडे। तो बड़ा बच्चों ने सबने मज़े किए, बहुत इंजॉय किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने बहुत जल्दी 2 घंटे के अंदर सारी तैयारियाँ करी थी कि चले भाई अब सब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। सारे बच्चे भी थे, उन बच्चों को देख के तो भी बहुत खुश हो रहे थे। और सब ने बहुत इंजॉय करा, बहुत जल्दी जल्दी की। कभी कभी अच्छा लगता है हम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं छोटी मोटी, बहुत जल्दी सी। और जल्दी के कामों में, अचानक वाले कामों में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे इनके सब इंजॉय कर रहे थे, केक कट गया था और ये सबों को। ये मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, ये इनके साथ ही होते हैं तो आ गए थे, तो ये भी बहुत यहाँ पे सब भाई खाने इंजॉय करने लगे। मैंने कहा बड़ी मेहनत से भाई जल्दी जल्दी बनाया है तो भाई इनको भी खाओ, इनको भी इंजॉय करो, बताओ भाई कैसा बना है। तो भी सब यहाँ पे खाने में लग गए। तो भाई यही था मेरा छोटा सा आज का। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बेटे के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जल्दी जल्दी से हमारी छोटी सी जो पार्टी थी बर्थडे की अचानक सी, वो कैसे लगी आप लोगों को। और अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि परवरदिगार हम सबके बच्चों के नसीबों में बहुत खुशियाँ, बहुत तरक्की और बहुत अच्छा परवरदिगार रखे अल्लाह ताला। माँ बाप तो बहुत अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, माँ बाप तो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और करते हैं। कोई इस दुनिया में ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए अच्छा ना सोचें, अच्छा ना करें। सब माँ बाप की यही दुआ होती है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तरक्की से नवाजे, बच्चों को नेक हिदायत अता फरमाए परवरदिगार, और उन्हें हर बुराइयों से दूर रखे मेरे अल्लाह। तो फिर आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।